Nathula and Chola clashes, also known as Indo-Sino War of 1967. चाइना के साथ 1962 युद्ध के बाद भारत ने अपनी सेना डबल कर दी थी डिस्प्यूटेड एरियाज में, और सबसे ज्यादा नजदीकी दूरी दोनों सेनाओं के बीच नाथुला के पास तिब्बत सिक्किम बॉर्डर पर थी। इस पास का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सेबुला और कैमल्स बैक था, जो कि भारत के हिस्से में था। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान चाइना ने अल्टीमेटम दिया था भारत को नाथुला छोड़ देने का, लेकिन GOC 17 माउंटेन डिवीजन के मेजर जनरल सगत सिंह ने इसे छोड़ने से मना कर दिया था। 13 अगस्त 1967 चाइनीज ट्रुप्स ने भारत की तरफ वाले हिस्से के सिक्किम पार्ट में खाई खोदनी शुरू कर दी थी। भारत ने चाइनीज कमांडर जांग गुओहुओ को इसे रोकने के लिए कहा था। इसके बाद इंडिया ने तय किया था कि वह अपने हिस्से की तरफ कांटेदार तारे लगाएगा, जिससे कि बाउंड्री क्लियर हो जाए। 7 सितंबर को जब नाथुला के सदन हिस्से में बाब वाय लगानी शुरू हुई, तो चाइनीज के लोकल कमांडर ने इसका सख्त विरोध किया था लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह से, और इसके बाद दोनों तरफ के सैनिकों में झड़प शुरू हो गई और कई सोल्जर्स इंजर्ड हो गए। 11 सितंबर 1967 की सुबह को जब इंडियन इंजीनियर्स और सोल्जर्स नाथुला से सेबुला तक बार वायर बिछा रहे थे, तब चाइनीज लोकल कमांडर ने अपनी इन्फेंट्री लेकर वहां आ गए और चेतावनी दी कि काम को तुरंत रोका जाए, लेकिन इंडियन सोल्जर्स ने सीधा मना कर दिया। तब लगभग 5 मिनट बाद एक सीटी की आवाज़ सुनाई दी और इंडियन सोल्जर्स पर चाइनीज ट्रूप्स ने मीडियम मशीन गन से फायर किया। कवर ना होने के कारण भारत को काफी कैजुअलिटीज हुई, लेकिन इसके तुरंत बाद भारत ने आर्टिलरी ओपन की और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू होने लगी, और यह लगभग अगले 3 दिन और रात तक चला, जिसके बाद 5वें दिन सीज फायर होने तक भारत ने चाइना के काफी बंकर्स तबाह कर दिए थे और चाइनीज ट्रूप्स को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। 1 अक्टूबर 1967 को चोला पर भारत और चाइना भिड़े। चाइनीज ट्रूप्स इस पास से सिक्किम के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, और साथ में उनका यह कहना था कि यह चोला पास चाइना का है, जिसको भारत ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। दोनों साइड्स का अपने अलग अलग क्लेम है। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजर जनरल शेरू थापलियाल, चाइनीज को चोला क्लैश के दौरान भारत ने 3 किलोमीटर पीछे तक धकेल दिया था। कैजुअलिटीज, अकॉर्डिंग टू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 88 किल्ड एंड 163 वाउंडेड इन एक्शन, वाइल्ड 340 किल्ड एंड 450 वाउंडेड ऑन द चाइनीज साइड। आफ्टरमैथ, 1975 में सिक्किम भारत का अंग बना, जिसे लोगों का काफी सपोर्ट मिला और चाइना को उस वक्त यह पसंद नहीं आया था, लेकिन 2003 में उसने रिकॉग्नाइज किया एक एग्रीमेंट के चलते, जिससे भारत तिब्बत ऑटोनोमस रीजन को चाइना का हिस्सा माने, जो कि भारत 1953 में ही मान चुका था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, टाटा।